मुरादाबाद में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी पर साधा जमकर निशाना। भाजपा समर्पित भारत विचार मंच की ओर से मियां कॉलोनी में एक कार्यक्रम किया गया आयोजन। इस कार्यक्रम में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी भी पहुंचे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाना था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सभी योजनाओं में मुसलमानों को योजनाओं का लाभ दिया है। हमारी पार्टी सभी को साथ लेकर चलती है, सबका साथ सबका विकास इसी के तहत काम किया है। हमारी पार्टी में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ये भाईचारे का कार्यक्रम था, भारत विचार मंच का कार्यक्रम था। इसका नारा है हमारा नारा भाईचारा, हमारा नारा भाईचारा, हमारा नारा भाईचारा। और हमारे भारत विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मीर साहब यहाँ उपस्थित हैं, आप देख भी रहे हैं, आपने उनका इंटरव्यू भी लिया है। ये बिल्कुल हकीकत है, मैं इनके बयान के साथ हूँ। श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का काम कर रहे हैं, तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, बिल्कुल ये पक्की बात है। इसमें कोई भी अपने पेट में ये दर्द ना करे कि हम मुसलमानों के बारे में उन्होंने क्यों बयान दे दिया। कोई प्रधानमंत्री देश का पहली बार ऐसा हुआ तो है जिसने कि मुसलमानों के बारे में बयान दिया और उसने ये कहा कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नेता मुसलमानों के बारे में अपशब्द ना कहे, उनके बारे में कोई गलत बयानबाजी ना करे। पहला कोई प्रधानमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मुझे नहीं लगता कोई धर्म के गुरु या कोई ज्ञानी तो है नहीं, और किसी भी धर्मगुरु या किसी कोई ज्ञानी विद्वान है भी तो उसको कोई हक नहीं बनता किसी के धर्म को या किसी की धार्मिक किताब को कुछ भी अपशब्द बोले। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। गिरफ्तारी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, हालांकि सरकार देख रही है, सरकार देख रही है, और हो सकता है अगर इसी तरह से वो बदजुबानी आगे भी करते रहे तो गिरफ्तारी भी निश्चित ही हो जाएगी। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विश्व नेता के रूप में स्वीकार कर चुका है, और नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा वो ये है कि हम सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास लेकर के काम करें। और नरेंद्र मोदी जी देश के मुसलमानों के बारे में भी उतना ही सोचते हैं जितना बहुसंख्यक हिंदू समाज के बारे में सोचते हैं। वो पसमानदा की बात करते हैं तो वो सूफिज्म की भी बात करते हैं, क्योंकि सूफिज्म ही वो विचारधारा है जो अमन अमान चाहती है। सूफिज्म ही वो विचारधारा है जिसके मानने वालों के साथ जुड़कर इस्लाम फला फूला और आगे बढ़ा, और सूफिज्म ही वो विचारधारा है जिसमें कहीं रेडिकल की गुंजाइश नहीं है, कहीं भी विवाद नहीं है। तो आज हम भारत विचार मंच के लोग, भारत का विचार भी यही है, हम भारत विचार मंच के लोग इसी कोशिश के लिए निकले हैं। ये जितने लोग भारत विचार मंच के वॉलंटियर हैं सबके सब अमन के सिपाही हैं, तो इन अमन के सिपाहियों की फौज के साथ हम इसलिए निकले हैं कि देश के अंदर जो कट्टरवाद जो कट्टरता पैदा की जा रही है, स्वामी प्रसाद जैसे नेता अपनी रोटियां सेकने के लिए या मौलाना तौकीर रजा जैसे मौलाना अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो बदजुबानी कर रहे हैं, मैं बयानबाजी नहीं कहूँगा उसे, जो बदजुबानी कर रहे हैं उस बदजुबानी पर लगाम लगेगी, और भारत विचार मंच जैसा संगठन और उसके संगठन के अमन के सिपाही खड़े होंगे, उस बदजुबानी पर लगाम लगाएंगे। उसी प्रयास को साकार रूप देने के लिए मैं आज प्रवास पर निकला हूँ, मुरादाबाद में, इससे पहले जिले में भी हमारा वहाँ कार्यक्रम था संबल रोड पर, और यहाँ भी ये कार्यक्रम है। तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे राष्ट्र में गांव-गांव गली गली घूम के ये अलग जगाएंगे, और जो ऐसे ये व्यभिचारी विनाशकारी विचारधारा के लोग हैं इन लोगों का मुंह पे ताला लगाने का काम भारत विचार मंच करेगा। क्योंकि हिंदुस्तान का जो सिख है वो भी अमन पसंद है, जो हिंदू है वो भी अमन पसंद है, जो मुसलमान है वो भी अमन पसंद है, अन्य जितने भी पंथ है, चाहे ददूपंथी है, कबीरपंथी है, आर्य समाजी है, ये सब के सब लोग हिंदुस्तान में अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, और हिंदुस्तान के नेता को विश्व अपना नेता स्वीकार कर चुका है, तो इसलिए विश्व नेता के पीछे खड़े हैं। देखिए, नगर निगम चुनाव के लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र जी ने एक डाटा तैयार करने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा को कहा है, अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी वो डाटा तैयार कर रहे हैं। जहां जहां मुस्लिम बाहुल वार्ड हैं और हम अपना मुस्लिम प्रत्याशी लड़ा सकते हैं तो हम निश्चित तौर पर 100% नगर निगम में लड़ाएंगे। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बयान नहीं है, वो बदजुबानी कर रहे हैं, उनकी बदजुबानी पे लगाम लगनी चाहिए, नहीं तो ये योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार है, आप बाबा के बुलडोजर को जानते नहीं हैं, आपकी जबान पे मुकम्मल ताला जड़ दिया जाएगा। देखिए, मुसलमानों ने पिछले चुनाव में भी 12% भाजपा को उसमें
वोट दिया है विधानसभा में और 20% लोकसभा में वोट दिया है और इस बार ये आंकड़ा बढ़ने जा रहा है और मुसलमान हिंदुस्तान का मुसलमान इस बार 50% से अधिक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। सरकार नहीं, बहुमत की सरकार नहीं बल्कि एक तरफा सरकार बनाने जा रही है क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व इस देश को चाहिए, इस राष्ट्र को चाहिए, इस देश के मुसलमानों को भी चाहिए, इस देश के बहुसंख्यक समाज को भी चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में ही वापस भारत पुनः विश्वगुरु बन सकता है और वो उसके बनने की कगार पे है। लाल चश्मा घर मथुरा का एक जाना पहचाना ब्रांड जो लाया है त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा। आप लाल चश्मा घर पर चुनिंदा ब्रांड के चश्मों पर और फ्रेम पर पाइए 10 नहीं 20 नहीं पूरे 50% की छूट। ये ऑफर केवल सीमित समय तक के लिए ही मान्य है, तो आइए लाल चश्मा घर और उठाइए मौके का भरपूर फायदा। दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रांड्स में अप टू 50% डिस्काउंट किया है। जितने भी अच्छे आपके ब्रांड्स हैं रेबेन वो सब कुछ में आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स पे डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स हैं तो आप आके उसका लाभ उठा सकते हैं।